बुरहानपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल बिछता जा रहा है। इन कॉलोनियों में सुविधा के नाम पर केवल लोगों को गुमराह कर उनके खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर उनके साथ ठगी की जा रही है। कई बुजुर्ग की शिकायतें लेकर पहुंचे और इसी के चलते जिला प्रशासन ने अब इन कॉलोनियों पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है। वहीं जब कलेक्टर भव्य मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अब इन कॉलोनियों पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही करीब 13 कॉलोनियों को नोटिस जारी कर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 2016 के पूर्व काटी गई कॉलोनियों को मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार वैध करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही जो कॉलोनियां 2016 के बाद काटी गई हैं उन पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह बहादुरपुर पंचायत अंतर्गत सैकड़ों कॉलोनियां काट चुकी हैं। कॉलोनाइजर द्वारा ग्राहकों को बिजली, पानी, रोड सहित तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया जाता है, लेकिन इन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ये जो मामला है ये पंचायत दौरे है और जो कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट रहा है वो रास्ते पर वो कब्जा करना चाहता है जमीन पर। कहाँ का मामला है ये? बहादुरपुर ग्राम पंचायत। इसमें पूर्व प्रक्रिया किस तरीके से करनी है हमने अपने अर्जुन को बताया, उनके माध्यम से प्रकरण मेरे न्यायालय में प्रस्तुत होगा और हम उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनको अनुमति देंगे और उसके उपरांत कुछ अवैध कॉलोनाइजर पे भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी कुछ कॉलोनियों को जो 2016 के पूर्व है उनको वैध करने की भी, जैसे ऑनरेबल सीएम का निर्देश है, उसको वैध करने की भी कार्रवाई चल रही है।